राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NHM के तहत दिसंबर 2019 में पानीपत के सिविल अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक चयन कमेटी बनाकर 66 पदों पर कर्मचारियों की भर्ती की गई थी, जिसमें ANM, GNM सहित कई पदों पर साक्षात्कार के जरिए भर्ती हुई। जिन अभ्यर्थियों का चयन नहीं हुआ उनमें से एक ने भर्ती में अनियमितता की शिकायत CM विंडो स्वास्थ्य मंत्री और NHM के हरियाणा निदेशक को भेजी थी, जिसमें जांच के बाद भर्ती के लिए हुए साक्षात्कार में नंबरों में गड़बड़ी पाई गई। ANM के 18 और GNM के 20 सहित 5 बाहरी उम्मीदवारों को लोकल का महत्व देते हुए सभी को 20-20 अंक दे दिए गए, जो गलत थे। उनका इस तरह से चयन कर लिया गया, जबकि साक्षात्कार में अलग अलग 20, 15, 10 अंक दिए जाने का नियम निर्धारित किया गया था। PHC, CHC और जिला अस्पताल के लिए अलग अलग नंबर का शेड्यूल बनाया गया था। चयन कमेटी ने सबको पूरे नंबर देकर चयन प्रक्रिया में गड़बड़ कर नियुक्तियां की थी, जिसके कारण जांच गड़बड़ साबित होने पर स्वास्थ्य निदेशक ने इन भर्तियों को रद्द करते हुए रिपोर्ट तलब की है। इस पर सिविल अस्पताल के CMO ने बताया कि डिटेल रिपोर्ट बनाकर भेजी जा रही है। नियुक्तियां रद्द होने से हेल्थ कर्मियों में रोष का माहौल है, लेकिन अभी कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। पत्र जो है मिशन डायरेक्टर नेशनल हेल्थ मिशन हरियाणा पंचकुला की तरफ से प्राप्त हुआ है, जिसमें निर्देश किया गया कि जो 2019 में जो भर्तियां की गई थी उनकी ना डिटेल रिपोर्ट भेजी जाए, उनकी लिस्ट भेजी जाए, साथ में जो कमेटी गठित की गई थी अलग अलग तरह की, उन सबके नाम मांगे गए। तो इसमें जो ना डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से हम ये रिपोर्ट भेजेंगे और उनसे एक कमेटी का भी गठन करवा रहे हैं, तो इसका पूरा वर्कआउट करके और फिर हम इस पे कार्रवाई करते हैं। कितने कर्मचारी हैं जी, क्या काम कर रहे हैं? देखना है, 40-50 कर्मचारी तो हैं इसमें टोटल। तो उसका पूरी डिटेल में अभी निकलवा रहा हूँ और इस पे वर्कआउट करके फिर हम रिपोर्ट। किस मुद्दे पे जांच अटकी हुई थी, किस मुद्दे पे फाइनल हुई है? क्या उसमें एक्स्ट्रा मार्क्स दिए गए उनको नियुक्तियों में, मतलब कोई रेफरी हुई है? मेरे को पूरी तरह से देखना है, क्योंकि पहले जो एक प्रीलिमिनरी रिपोर्ट गई थी जिसमें जो डिप्टी कमिश्नर की तरफ से कमेंट्स गए हैं उसमें ये लिखा हुआ है कि सभी को 20 नंबर दिए गए जो पानीपत जिले के वासी, और नियमानुसार ये होता है कि जैसे ना PSC लेवल पे अगर पोस्टिंग हो रही है तो उसको 20 नंबर, CSC लेवल पे 15 नंबर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो 10 नंबर, उसमें यूनिफॉर्मली सभी को 20 नंबर दिए। तो पैसे के लेन देन के और भी आए बीच में? उसमें पैसे का कोई ऐसा जिक्र नहीं कर रखा उस लेटर। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।